हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। बचपन से ही मुझे आंखों की समस्या थी और इसके साथ साथ मैंने समाज के अंदर इस दुनिया के अंदर पशु पक्षी गाय भैंस में भी ये समस्या देखी है और बचपन से ही इस दुख के बारे में मैं जानता हूँ। जिसको दिखाई ना दे उसकी क्या हालत होती है। मेरे भारतवर्ष में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों के लिए लाभदायक है। आँखों के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, भारतवर्ष में यह संसार में एक ही चीज है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन का हिंदी में क्या कहते हैं? टाइलिन को उसको कहते हैं लार, और लार जो है हमारे लिए कैसे लाभदायक है। जिसके आंख के अंदर अंधापन है, जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनकी आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है या दिखने में लाचार है, उन व्यक्तियों को हम बार बार ये बताते हैं, समझाते हैं और कहते हैं ये चीज़ें भारतवर्ष में हैं, इनसे अंधापन दूर हो जाता है। इस अंधेपन को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अंधेपन को दूर करने के लिए मेरे भारतवर्ष में है आंवला। आंवले का रस हमें सीधा आँख में डाल लेना चाहिए, कपड़े में छान करके। आपको आँखों में इतना आराम मिलेगा जो दुनिया में ना मिले। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, अगर गाय भैंस भेड़ बकरी यह ऊंट इत्यादि हो जिसको दिखाई ना देता हो, जन्म से नहीं दिखाई देता हो, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आँख के अंदर शहद डाल दें, और शहद डालने के बाद चाहे बछड़ा हो या कटरा हो, गाय हो भैंस हो या बकरी या ऊँट हो, ये शहद डालने के बाद हर एक को दिखाई देने लगता है। अपने जीवन में मैं कम से कम 500-700 पशुओं को ठीक कर चुका हूँ। इसके बारे में फिर यही बात आ जाती है, टाइलिन की बात, लार की बात, थूक की बात, और उन आदमियों को समझाना चाहता हूँ जो व्यक्ति क्या करते हैं, कमज़ोर होते हैं, आंखें कमज़ोर हैं, और लार को सुबह सुबह मुंह धो करके अच्छी तरह से आंख में लगा लें। शहद के बारे में मैंने देखा, शहद में ऐसा कौन सा गुण है जो अच्छी तरह से आंख ठीक हो जाती है। मैंने मधुमक्खियों को देखा, पहले तो वो स्त्री केसर या पुंग केसर के पास से रस को चूसती हैं, और चूसने के बाद दोबारा जब अपने छत्ते पर चली जाती हैं, अपने घर में चली जाती हैं, अच्छी तरह से मैंने उनको देखा, दूरबीन से देखा, वो शहद की क्या करती हैं, उल्टी करती हैं। मैंने दुनिया के वैज्ञानिकों से भी पूछा इसका कारण क्या है, उन्होंने बताया जो शहद के अंदर जो गुण है, मक्खियाँ पहले क्या करती हैं, चूसती हैं, फिर दोबारा वापस अपना संग्रह करती हैं, लार जो मधुमक्खी की है उसमें मिल जाती है, जिसको आप टाइलिन कहते हैं, और वो टाइलिन युक्त फलों का रस जिसे आप शहद कहते हैं, वो करने के बाद अच्छी तरह से बछड़ा या बछड़ी, ऊंट, गाय, भैंस आदि क्या हो जाती है, उसकी आंखें में अच्छी तरह से रोशनी आ जाती है। ज़्यादातर मैंने प्रयोग किया है
गाय भैंस और बछड़े पर, और बछड़े को तो इतना जल्दी आराम हो जाता है शायद दुनिया में ऐसा कभी ना हो। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर जो टाइलिन है, लार है, मानव की है, गाय की है या भैंस की है, टाइलिन के बिना उनका चारा नहीं पच सकता। इसी तरह से मानव जो खाना खाता है वो टाइलिन उसके अंदर पेट के अंदर जाती है, पेट के अंदर जो अमाशय है, अमाशय के अंदर भी टाइलिन क्या करती है, अगर टाइलिन अंदर जाएगी तभी रेनिन और पेप्सिन काम करेंगे, अगर टाइलिन अंदर नहीं जाएगी मानव को भोजन अच्छी तरह से नहीं पचेगा। उसके लिए ज़रूरी है रेनिन और पेप्सिन को काम करने के लिए टाइलिन की ज़रूरत है। इसी तरह से आगे जो भोजन पचता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी तरह से रेनिन और पेप्सिन के आधार पर काम करता है। इस के विषय में मैं आपको समझा दूं, जो लार है, आपने मधुमक्खी को काट लिया हो या बेल्ट तैयार ने काट लिया हो, आपके बदन को किसी भी तरह किसने काट लिया हो, मच्छर ने काट लिया हो, तो हम क्या कहते हैं, उसको थूक लगा देते हैं। जो मानव का जहर उस विष को ख़त्म कर देता है, जैसे जो सांप जब काटता है मानव को और उसके दांत इस तरह के हैं और काटने के बाद वो निकाल नहीं पाता और निकालने के लिए उसे उल्टा होना पड़ता है, और उसकी जो टाइलिन है सांप की वो मानव में चली जाती है, ये सांप का जहर होता है। और इसी तरह से मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर जो मानव की जो लार है वो आदमी का जहर है, परंतु आदमी के लिए अमृत है। कोई भी कीट पतंगा, मक्खी, मच्छर, बिरल, ततैया, अज्ञात जानवर कोई भी आपको काट ले, तो आप अपने इस जहर को, इस टाइलिन को प्रयोग करें और इस तरह से वहाँ पर लगा लें और वहाँ पर उसका विष क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। रही अंधापन के बारे में, मक्खियाँ क्या करती हैं, अच्छी तरह से स्त्री केसर और पुंप केसर के पास जाती है और उसका रस को चूसती है, और चूसने के बाद उस रस को अपने शरीर में मक्खी लेकर जाती है, और जब अपने छत्ते पर पहुंचती है, अपने घर पर पहुंचती है, तो वहाँ पर क्या करती है, उसको उल्ट लेती है। जो टाइलिन है शहद के साथ, रस के साथ, फूलों के रस के साथ वापस आ जाती है। बाजार के अंदर तीन तरह के शहद होते हैं। एक तो शहद ऐसा होता है और एक आदमी बना लेता है, बाजार के अंदर वो शहद बिकता रहता है, क्या है, गाढ़ा मीठा बना लेते हैं और कुछ छत्ते उसमें डाल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया शहद है, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई रखवाला तो है ही नहीं, चाहे नकली बेचे चाहे असली बेचे, तो इसलिए उन लोगों को बताते हैं नंबर एक शहद 100% नकली। आगे नंबर दो क्या होता है, शहद दो तरह का होता है, एक तो छोटी मक्खी का शहद, नंबर दो बड़ी मक्खी का शहद। सबसे उत्तम कौन सा शहद होता है, छोटी मक्खी का शहद होता है। और शहद के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं, मैं बता दूं, घी पुराना शहद नया, ये दुनिया में सबसे उत्तम होते हैं। मेरे भारतवर्ष में जितने साल पुराना
घी होता जाएगा उतना ही घी क्या होगा, उत्तम होगा, इतना बढ़िया होगा जो संसार में नहीं होगा। शहद को ताज़ा प्रयोग करना चाहिए और जितना शहद होगा अच्छी तरह से शहद को हम क्या करेंगे, ताजे का प्रयोग करेंगे। समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं अमृत को जहर बना देते हैं, जैसे शहद क्या है, अमृत है, शहद क्या है, अमृत है, और कुछ लोग उसे गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बावजूद शहद डेड हो जाता है, विष बन जाता है, और विष बनने के बाद उसे जीवन में हमें कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे शहद के बारे में माननीय एक डीसी साहब का मैं जिक्र करूँगा कि ये सम्मानित पद हैं, कोई कोई व्यक्ति उनको उपहार देने के लिए चला जाता है। एक डीसी साहब के पास आया, सर मैं आपके लिए शहद लेके आया हूँ, देसी शहद है। उसने अपनी बाल्टी में 3 पिंड रखी थी जिसके अंदर शुद्ध अमृत के समान शहद था। घर में साहब ने बड़े खुश हुए, कहने लगे इसका शहद निकाल लो। मैडम ने कोई ट्रेनिंग तो करी नहीं थी शहद के विषय में, और मैडम ने इतना भी नहीं पता था शहद को गर्म करने के बाद विष बन जाता है, हमें जीवन में कभी भी नहीं खाना चाहिए। मैडम ने कहा शहद निकाल लिया है, मैं इसको गर्म कर देती हूँ, और गर्म करने के बाद ये शहद को मैं कपड़े में निचोड़ लूँगी, बढ़िया शहद होगा। शहद हमेशा जिंदा होता है, गर्म करने के बाद शहद डेड हो जाता है, विष हो जाता है। शहद को कभी भी गर्म ना करिए। समाज के अंदर कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनकी आँख चली जाए पशु की, काटड़ू और बछड़ू को, उसके लिए हम कहते शहद का प्रयोग करें। हिंदुस्तान में उंगली उठाने वाले काफ़ी व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कैसे हैं वो बता तो देते हैं, गारा गर शहद को गर्म कर लिया, और बाद में फ़ोन करते हैं श्रीमान जी 1% भी आराम नहीं हुआ। भाई साहब आप सच्चे हो, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपके दुख को तो समझता हूँ, मेरे दुख को कौन समझे। मैं उनको कहता हूँ शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, शहद को ठंडा प्रयोग करना चाहिए। शहद और दूध की बात करता हूँ। मेरे भारतवर्ष में गाय और भैंस का ताज़ा दूध पीने का रिवाज था, और शहद को जितना ताज़ा पियोगे उतना अच्छा रहेगा। फिर आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, शहद नया घी पुराना। लोग क्या करते हैं 50 साल 10 साल 20 साल का घी को रख लेते हैं, जो जख्म किसी से ठीक ना हो पुराना घी उसे क्या कर देता है, ठीक कर देता है, परंतु इस बात को कौन समझे। मेरे देशवासियों, आपके आसपास कोई गौशाला हो, जितने भी वेटनरी के सर्जन हैं जरा कान खोल कर सुन लो, जितने वेटनरी के डॉक्टर हैं वो भी जरा कान खोल कर सुन लो। अंधरात्मा कैसे होता है, नस या नाड़ी के ब्लॉकेज होने पर। दूसरी बात, आँख को कैसे शहद ठीक कर देता है, मक्खी की टाइलिन शहद के अंदर मिली हुई होती है, मक्खी की टाइलिन शहद के अंदर मिली हुई होती है, और क्यों पहले तो वो चूसती है शहद को, फिर दोबारा उल्टी करती है, और उल्टी करने के बाद हम क्या करते हैं,
शहद को इकट्ठा करते हैं और अच्छी तरह से शुद्ध शहद आँख में डालने से पशु की आँख क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसका मैंने कारण भी बताया। आजकल के जो बच्चे हैं चारों तरफ देखते हैं, भोजन का अभाव है, दूध घी मक्खन मलाई बिल्कुल समाप्त हो गया है समाज से, और अच्छी तरह से अच्छे स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध ज़रूरी है, परंतु उनके बच्चे क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। उसके लिए मैंने औषधि बता दी है, समझा दी है, सिखा दी है। और गाय जो गौशाला हैं उसमें भी मैंने बता दिया है, लोगों को पता लगे गौशाला में बताएं, जाकर समझाएं। कई लोग महाराज या मंत एक बात कह देते हैं, तुम्हें क्या पता, ये तो हमारी लाइन है, शहद को गर्म करके ठंडा करोगे डालोगे कोई आराम नहीं, शहद को सीधा निकाल कर आँख में डालेंगे, जो बछड़ा है या बछड़ी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। पशुओं की भी सेवा कर लिया करो, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके लिए मैं बार बार कहता हूँ उनकी सेवा रक्षा सुरक्षा किया करो। ज्ञान तारा कॉलोनी नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466254102, 09416556366।